ओम शांति। इस समय भगवान इस धरती पर क्यों आया है? इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए आया है। तो हमने मांग किसकी की थी? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो हमारा धंधा क्या है? हम ब्राह्मणों का धंधा है पवित्र बनना है और पवित्र बनाना है। अपना तन मन धन सफल करना है और दूसरों का भी सफल कराना है, क्योंकि पहले तो किसी को पता नहीं होता है और हम मांगते नहीं हैं किसी से, लेकिन इसमें भी बुद्धि चाहिए, सफल कराने के लिए भी बुद्धि चाहिए। तो हमें सफल कराना है। जब सफल कराएंगे, पवित्रता की धारणा करेंगे, तभी खुशी मिलेगी। और जब उनको खुशी मिलेगी तो आप किसको दुआएं देते हैं? आप ज्ञान में आए, जो भी निमित्त बना, आप उनको दुआएं देते हैं, क्योंकि वो माध्यम बने। बाकी कोई किसी को ज्ञान में नहीं चला सकता। हम चाहेंगे किसी को ज्ञान में चला लें, नहीं चला सकते, ये उनका अपना भाग्य है। और बाबा किसी न किसी को निमित्त बना के कराता है। तो अपना सफल करना है, जीवन सफल करना है, तन मन धन सफल करना है और सफल कराना है। तो क्या बता रहे थे? ये महायज्ञ है, इस यज्ञ के बाद अब कोई यज्ञ नहीं होना है। तो जब यज्ञ पूरा होता है तो क्या करते हैं? पहले सामग्री स्वाहा करते हैं और लास्ट में पूर्ण आहुति में सब कुछ स्वाहा कर देते हैं, है ना, को सामग्री को बचा के नहीं रखते हैं। इसी प्रकार इसी महायज्ञ में हमें किसकी आहुति देनी है? विकारों की आहुति देनी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। और फिर क्या होना है? सारी दुनिया स्वाहा होनी है। तो स्वाहा माना हमें स्वेच्छा से करना है। अगर हम स्वेच्छा से करेंगे तो भाग्य बनेगा। बाकी समय तो सब कुछ करा ही लेता है।